हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो सब लोग। तो जो है आज मैं आपके साथ दीपक सर, आपका फिजिक्स फैकल्टी, जो अपन ने स्टार्ट किया था वेक्टर्स, वेक्टर चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया, उसको समझा कि कैसे होते हैं वेक्टर, क्या होते हैं वेक्टर, एडिशन क्या होगा, कैसे करेंगे अपन वेक्टर एडिशन में। उसी के साथ आज अपन अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, कि दो वेक्टर अगर मेरे को दिए हुए हैं तो मल्टीप्लीकेशन में कैसे करूंगा। आपको पता है वेक्टर अपने बहुत काम आगे आने वाला है, कहीं भी अपन जब फोर्स निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे, रोटेशन मोशन में, पूरा मैकेनिक्स में वेक्टर काम आने वाला है। फिर उधर अपन अपने 12th वाले पार्ट में जाएंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में काम आएगा, फिर मैग्नेटिज्म में काम आएगा। तो वेक्टर जो है अपने काम तो बहुत आने वाला है और मल्टीप्लीकेशन ज़्यादा काम आने वाला है। तो आज जो है अपन अपना वेक्टर का टॉपिक मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर चालू करेंगे। अब मल्टीप्लीकेशन कितने टाइप के होते हैं, अपन ने समझा था कि दो टाइप से अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कि वेक्टर है तो एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट की तरह, ताकि उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो स्केलर आए। और एक जो है अपने पास कि वेक्टर को अपन मल्टीप्लाई करें और उसका रिजल्टेंट किसी डायरेक्शन में आए, तो उसके लिए अपन जो बात करते हैं वो होता है अपने पास वेक्टर प्रोडक्ट का, अपने पास वेक्टर प्रोडक्ट जिसको अपन क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट को दिखाने के लिए अपन डॉट से, अपन ऐसे डॉट उसके बीच में लगाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए अपन क्या है, क्रॉस वाला सिंबल बीच में यूज करते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस अगर मैं जानना चाहूँ तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा अपने पास स्केलर प्रोडक्ट में, वो जो रिजल्टेंट दो वेक्टर का रिजल्टेंट आएगा वो जो है स्केलर होगा, और जो वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्ट में वेक्टर प्रोडक्ट आएगा वो जो है अपने पास रिजल्ट में वेक्टर प्रोडक्ट होगा। अब अपन बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज ए डॉट बी। तो दो है डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का, ए और बी का जो देते हैं अपन, उसको स्केलर प्रोडक्ट भी अपन बोल रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट टू वेक्टर, और किससे देते हैं, ए डॉट बी से। मतलब अगर मेरे को दो वेक्टर दिए हुए हैं तो उनका रिजल्टेंट अगर मैं दूं उनका मल्टीप्लिकेशन में, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, ए डॉट बी का, ऐसे बी डॉट सिंबल से। ठीक है, तो अपन कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर जो होगा वो पास होगा ए डॉट बी। अब ए डॉट बी होता क्या है, कि ए डॉट बी क्या है, कि एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, तो ए डॉट बी क्या होगा, अपने को ये चीज पता होनी चाहिए। तो ए डॉट बी जो होता है अपने पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस थीटा। अब थीटा क्या है, थीटा अपन ने पढ़ा था कि दो वेक्टर अपने को गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उनके बीच का जो एंगल होगा। अब बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, कि जब उनकी टेल टू टेल कोइंसाइड करे या हेड टू हेड कोइंसाइड करे। मतलब ये दो मेरे पास वेक्टर है, ये दोनों का हेड है, तो टेल टू टेल के बीच का एंगल एक्यूट एंगल, या फिर हेड टू हेड के बीच का एंगल, वो जो है थीटा होगा। और यहाँ पे जो अपन थीटा यूज करेंगे वो वाला थीटा यूज करेंगे, तो थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो थीटा होगा। तो अपने पास डॉट प्रोडक्ट देना है, तो ए डॉट बी होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई कोस थीटा। ठीक है, अब एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं कि कहाँ अपने काम आने वाला है। तो सबसे पहले अपन जब वर्क निकालेंगे, वर्क कब निकालेंगे, सिर्फ अभी काइनेमेटिक अपना स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर में जैसे ही फोर्स पढ़ेंगे फिर कहीं ना कहीं वर्क की अपने को आवश्यक मतलब जरूरत पड़ेगी, और कहीं नहीं तो वर्क पावर एनर्जी में तो वर्क निकालोगे ही सही, तो वहां तो आएगा ही सही। अब जब अपने को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देंगे, अब देखो यहाँ पे क्या है, फोर्स भी मैं जानता हूँ वेक्टर क्वांटिटी, अपन सब जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अपन ने इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी जाना था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो अब दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और वर्क तो जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से डॉट प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो वो जो है अपने पास वर्क आता है। तो वर्क वाले चैप्टर में अपने ये वाला फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कि एक वेक्टर क्वांटिटी दूसरी वेक्टर क्वांटिटी उसके बीच में डॉट लगा होता है, जैसे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट जो अपने पास आएगा वो आएगा वर्क में। ठीक है, पावर की बात करें कि पावर क्या है, फोर्स इंटू वेलोसिटी है पावर। ठीक है, फोर्स और वेलोसिटी, तो वहां पे अपन देखें एफ डॉट वी जब अपने काम आएगा, कहीं अपने को फोर्स दिया होगा और उस पार्टिकल की वेलोसिटी दी हुई होगी, तो अपने को पावर निकालने के लिए पूछा जाएगा, तो वहां जो है अपने क्या काम आएगा, अपने वहां एफ डॉट वी काम आएगा, कि एफ जो है उसका अपन डॉट प्रोडक्ट करेंगे वेलोसिटी के साथ, तो अपने को क्या देगा, पावर देगा।
तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारा काम आने वाला है अपने, और जगह भी बहुत सारे एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, ठीक है। अभी जो है धीरे धीरे अपन समझ जाएंगे आगे कहाँ कहाँ काम आने वाला, जहाँ भी अपने को दो वेक्टर दिए हुए रहेंगे और अपने को कहीं रिजल्टेंट पे स्केलर क्वांटिटी चाहिए होगी, वहां पे अपने काम आने वाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है डॉट प्रोडक्ट के, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। ये तो बात अपन ने कर ही ली कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा स्केलर होगा। स्केलर अपन लोग जानते हैं स्केलर क्या होता है, अपन ने पढ़ा है ना, वेक्टर के सबसे पहले पॉइंट यही तो पढ़ा कि स्केलर क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो पर डायमेंशन नहीं हो। तो इनके पास सबके पास मैग्नीट्यूड रहेगा, डायमेंशन इन द सेंस कि उनके पास वेक्टर क्वांटिटी की तरह बिहेव नहीं करेंगे वो, ठीक है। तो वो जो है डॉट प्रोडक्ट का स्केलर होगा। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं कि ए डॉट बी क्या होगा। तो ए डॉट बी अपन जानते हैं ए बी कोस थीटा, ये बात मैंने सबको बता दी पहले कि जहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ है उसका मतलब है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस थीटा। अब बात आती है क्या क्या चेंज हो सकता है, ए चेंज हो सकता है, बी चेंज हो सकता है, थीटा चेंज हो सकता है, थीटा चेंज होगा तो कोस थीटा भी चेंज होगा अपने पास, ठीक है। ए चेंज मतलब वेक्टर हो सकता है चेंज हो, बी चेंज मतलब वेक्टर हो सकता है बी वाला वेक्टर चेंज हो जाए, पर अपन मान के चल रहे हैं कि ये दोनों स्टेबल है। अब कोस थीटा के बेस पे रिजल्ट में क्या इफेक्ट आएगा, मान लो उसने बोला कि फोर्स अपने को दे दिया, अपने को दे दिया फोर्स के बाद वेलोसिटी दे दी, अपने को पावर पूछ लिया, तो पावर किस से इफेक्ट होगी, क्योंकि फोर्स तो फिक्स हो गया, वेलोसिटी भी फिक्स होगी, तो पावर किस से इफेक्ट हो रही है, थीटा से इफेक्ट हो रही है, ठीक है। वर्क करने के लिए अपन को दे दिया कि वर्क कैसे इफेक्ट होगा, अब तो उसके बीच के एंगल पे डिपेंड करेगा ना। अब तो एंगल क्या क्या हो सकता है, कि सर एंगल तो बहुत सारा हो सकता है, कोस थीटा के टर्म में अपन देखें तो एंगल क्या क्या हो सकता है, तो वो वाली बात है, ठीक है। अब यहाँ पे जो थीटा है उन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, मतलब ऐसा कोई एंगल है, ये जो एंगल ऐसा है, तो ये क्या हो गया कि 90 से कम है, हो सकता है वो फिक्स 90 हो सकता है वो 90 से ज़्यादा हो, ठीक है। तीन कंडीशन अपने पास हो सकती है कि एक्यूट एंगल हो, अपने पास 90 डिग्री हो या 90 से ज़्यादा हो, अपन यहाँ पे थीटा की बात करें। तो कोस थीटा अपन जानते हैं क्या होता है, 90 से जब छोटा होगा तो कोस थीटा क्या होगा, कि सर 90 से मैंने देखा है 90 छोटा होता है तो वो पॉजिटिव होता है, अपन सभी लोग ये बात जानते हैं। तो पॉजिटिव होगा तो डॉट प्रोडक्ट अपने पास क्या मिलेगा, कि अपने पास डॉट प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है पॉजिटिव होने का मतलब, जैसे वर्क की फॉर्म में अपन बात करें कि फोर्स भी लगा डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो जो वर्क हुआ वो पॉजिटिव होगा। अब अपन सेकेंड वाले बात की पॉइंट की बात करें कि हो सकता है थीटा जो है 90 से 180 डिग्री के बीच में, तो 90 से जब 180 के डिग्री के बीच में होता है तो अपन जानते हैं कोस थीटा क्या होता है, कि सर कोस थीटा तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो डॉट प्रोडक्ट अपने पास क्या होगा, देखो कोस थीटा नेगेटिव हो गया तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो अपने पास डॉट प्रोडक्ट जो है नेगेटिव आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि फोर्स ऐसे लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट हुआ पीछे, ठीक है, फोर्स तो अपन ने आगे लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ पीछे, तो उसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्टेंट अपना जो वर्क हुआ ना वो नेगेटिव हुआ, अपन ने फोर्स भी लगाया फिर भी काम अपने नुकसान में हुआ, तो वो वाली चीज है। जैसे अपन इसको देखेंगे फ्रिक्शन वाले फोर्स के एग्जांपल में, कि फ्रिक्शन लग उधर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो फ्रिक्शन के हिसाब से उस चीज का जो है वर्क क्या हुआ, कि उस चीज का वर्क नेगेटिव हुआ, पर अपन रियल फोर्स इधर दे रहे हैं और मूवमेंट भी इधर ही हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा कि पॉजिटिव होगा अपने पास। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई सारी जगह ये चीज काम में आती, ठीक है, ये दो पॉइंट थीटा और ए और बी के बीच में एंगल जीरो है, मतलब वो दोनों पैरेलल है, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा कि कोस थीटा अपन जानते हैं वन होता है, कोस जीरो डिग्री क्या होगा अपने पास, कोस जीरो डिग्री वन होगा, तो वो वहां पे जो है मैक्सिमम होगा, मतलब अगर अपना फोर्स भी इधर ही है डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है तो वहां पे क्या होगा मैक्सिमम होगा, मतलब अपने को अगर मैक्सिमम करना है तो कोस थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा। कोस थीटा मैक्सिमम कहाँ होगा, जब थीटा जो है अपने पास एंगल जो है उन दोनों वेक्टर के बीच में जीरो डिग्री हो जाएगा। अब बात तो अपन ने कर ली सर, जीरो हो गया, 180 हो गया, 90 डिग्री होगा जब क्या होगा, 90 डिग्री वाला काम बहुत आता है, तो 90 डिग्री वाला आएगा तो क्या होगा, देखो 90 डिग्री हुआ मतलब थीटा क्या हुआ 90 डिग्री हो गया, और कोस थीटा क्या होगा कि कोस थीटा जीरो हो गया, यही हुआ ना, 90 डिग्री होते हैं, कोस थीटा जीरो हो गया। इसका मतलब क्या है कि दो वेक्टर अगर ए और बी है उनके बीच का एंगल, उनका एंगल जो है 90 डिग्री हो गया तो फिर जो है रिजल्टेंट आएगा जीरो, मतलब डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट जीरो आएगा। वो अपन ने दिया हुआ है कि ए परपेंडिकुलर बी, देन थीटा क्या हुआ 90 डिग्री हो गया, तो कोस थीटा जो है जीरो हो गया, मतलब
उसमें वो फोर्स कितना भी लगाए तो भी वर्क जीरो हो जाएगा अगर डिस्प्लेसमेंट उसका नहीं मतलब परपेंडिकुलर हो रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स और ऑलवेज बी जीरो, मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट का ऑलवेज जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक और टर्म्स अपन मीन्स निकाल सकते हैं, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर जीरो देन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा सा इसमें समझने की जरूरत है कि अपने को दो वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो वो परपेंडिकुलर होंगे। सारा बेबी नहीं समझ में आया, देखो अपन को ये तो समझ में आया ना कि अगर उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, मतलब वो दोनों परपेंडिकुलर हैं, ऐसे हैं, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये कोई वेक्टर था, ये कोई वेक्टर है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, अगर ये दोनों 90 डिग्री हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो वाइस वर्स अपन ने बात की, मतलब रिवर्स ऑर्डर में अपन ने बात की कि अब जो है इनके बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। कोई दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर इधर से उठा है, एक वेक्टर इधर से उठा है, इन दोनों का वेक्टर डॉट प्रोडक्ट जो है जीरो आ गया मेरे पास, तो ये दोनों है ना वो हमेशा 90 डिग्री पे ही होंगे। अब बात क्लियर हो जाएगी कि दो वेक्टर जो है उनके बीच के एंगल 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, या उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो उनके बीच का एंगल जो है अपने पास 90 डिग्री होगा। ये चीज अपने काम बहुत आने वाली है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि आपको पता होना चाहिए, स्टार्क मार के कर लो अच्छी चीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें अपन, ठीक है। अब देखो अपन ने पढ़े थे, क्या पढ़ा था कि एक्स एक्सिस के अलोंग अपन लेते हैं आई के वेक्टर, वाई एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं अपन जे के वेक्टर, और जेड एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं अपन के वेक्टर, ठीक है। तो दो ऑर्थोगोनल यूनिट्स मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स ऑलवेज जीरो, मतलब आई के डॉट जे केप क्या होगा, जे केप डॉट के केप क्या हुआ, के केप डॉट आई केप क्या हुआ, मतलब एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, अब अपन इसको एक एक्सिस ले रहे हैं, मतलब मैं इसको आई केप से लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ जे केप से, तो क्या ये अपन जानते हैं इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, कि 90 डिग्री होता है, तो अपन इसका लेंगे आई केप का मैग्नीट्यूड जे केप का मैग्नीट्यूड इंटू कोस 90 डिग्री, तो कोस 90 कितना हो गया, कि सर जीरो हो गया, कोस 90 जीरो हो गया तो इनका रिजल्टेंट जीरो क्या हुआ, जीरो हो गया, आई केप डॉट जे केप जीरो हुआ, जे केप डॉट के केप क्या हुआ, कि उसके बीच का भी एंगल 90 डिग्री होगा तो वो भी क्या हुआ, जीरो हो गया भाई, जे केप ये है और इसके परपेंडिकुलर ये है, इनके बीच का एंगल क्या हुआ 90 डिग्री हो गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जे केप डॉट के केप भी 90 डिग्री हो गया, और के केप डॉट आई केप भी अपने पास है, बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ तो रिजल्टेंट अपने को क्या मिला, जीरो मिला। तो दो ऑर्थोगोनल यूनिट्स से अपने पास उनका जो है डॉट प्रोडक्ट अपने पास जीरो होगा, तो ये रिजल्ट अपने को पता होना चाहिए, ये रिजल्ट भी काम आता है, आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि सर दो ऑर्थोगोनल यूनिट्स है उनका वेक्टर जो होगा, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो जीरो होगा। कहीं भी अपने को दिया हुआ है, कहीं भी अपने को पता आ गया अपने पास कि आई कैप डॉट जे कैप क्या हुआ, डॉट प्रोडक्ट में दिया हुआ है तो वहां पे अपन जीरो कर देंगे। जैसे वेक्टर की फॉर्म में अपन को दे दिया 3D में कि कोई यूनिट आई केप जे केप के केप और उसका डॉट प्रोडक्ट करना है आई केप जे केप के केप, तो रिजल्टेंट में अपन क्या लिखेंगे कि आई केप डॉट जे केप तो जीरो होगा, आई केप डॉट के केप भी जीरो होगा, तो आई केप डॉट आई केप ही क्या होगा अपने पास रिजल्ट में, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि सेल्फ उसी के वेक्टर के साथ उसी का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, कि कोई वेक्टर मेरे को दिया हुआ है और उसी के साथ मैं उसी का डॉट प्रोडक्ट करूं तो कितना होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि उनके बीच का एंगल क्या हो गया, कि उनके बीच का एंगल तो अपन बात करें खुद के साथ खुद का एंगल तो क्या होगा कि जीरो होगा, कि कोई वेक्टर इधर जा रहा है उसी के साथ इधर का वेक्टर तो अपने जीरो पड़ा, जीरो होगा तो उसका मतलब क्या होगा, कोस थीटा हो गया 1 अपने पास, तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट आया उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। द वेक्टर ऑफ द वैल्यू ऑफ सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी सेल्फ डॉट प्रोडक्ट की, कि उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो अपन इसको ऐसे देख सकते हैं, द सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। तो देखो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, अपन सब लोग जानते हैं कि वेक्टर डिवाइड बाई उसके मैग्नीट्यूड का, उसका मैग्नीट्यूड, तो वो यूनिट वेक्टर होता है। अब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, कि 1 होता है सर। तो दो यूनिट वेक्टर को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने
अब उन दोनों यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि एक यूनिट वेक्टर है, दूसरा यूनिट वेक्टर है, उसके बीच का कोस थीटा। जब वो सेल्फ वेक्टर है तो उनके बीच एंगल जीरो हुआ, इसका मतलब कोस, अब उनके बीच का एंगल जीरो हो गया तो कोस तो ये वन हो गया अपने पास। तो यूनिट वेक्टर के दोनों का मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, कि वन आएगा। तो वही अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा सर, वन होगा। इसका भी मैग्नीट्यूड वन, इसका भी मैग्नीट्यूड वन, और उनके बीच का एंगल तो क्या है कि जीरो है सर, इसलिए वो वन हो गया। के कैप डॉट के कैप, ये तो अपन ने डायमेंशन वाली बात कर ली कि एक्स एक्सिस पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे क्या होगा, जेड एक्सिस पे क्या होगा। एन कैप डॉट एन कैप, ये कोई यूनिट वेक्टर है, एन कैप अपन ने बोल दिया कि ये कोई यूनिट वेक्टर है, तो उसका उसी के साथ जो है डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ये बात क्लियर है सबको, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ बेटा, क्लियर है सबको ये बात, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट जो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, मतलब अपन ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें, वो क्या होगा, बराबर होगा। सर ये कैसे बराबर हुआ, कैसे हुआ, देखो इसमें अपन देखने वाली बात समझे। ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और दोनों के बीच का कोस थीटा। बी डॉट ए क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और उनके बीच का एंगल कोस थीटा। अब यहाँ पे कोस थीटा का क्या होगा, ए डॉट बी मैं ऐसे करूँ, ये कोई मेरे पास वेक्टर मान लो कि अपने पास कोई वेक्टर ये ए है, ठीक है, और ये कोई वेक्टर बी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस वेक्टर को इसके पीछे यहाँ पे लगा, मतलब अपने को टेल टू टेल कोइंसाइड करनी है, तो मैंने ए डॉट बी, ये एंगल हो जाएगा। अब इस वेक्टर को मैं मान लो उसकी जगह बी डॉट ए करूँ, तो बी डॉट ए में भी क्या होगा, एंगल तो यही होगा ना बीच का, तो एंगल दोनों पोजीशन में क्या हुआ कि मान लो मैं इसको यहां से शिफ्ट कर देता हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो बराबर ही है ना, तो शिफ्टिंग ही हो रही है ना, तो उनमें क्या होगा, उनके बीच का जो एंगल है, डॉट प्रोडक्ट है, वो क्या होगा, बराबर होगा। तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव होता है, मतलब अपन आई केप डॉट जे केप करें या जे केप डॉट आई केप करें, उनके बीच का क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट हमेशा सेम रिजल्ट देगा। या अपने पास कोई भी वेक्टर है ए डॉट बी है या बी डॉट ए करें अपन, उसके बीच का रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। और नेक्स्ट अपन बात करें, सर कम्यूटेटिव है तो क्या डिस्ट्रीब्यूटिव भी होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है कि सर अपन पहले देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है कि ए डॉट बी प्लस सी, ठीक है, इसको अपन ऐसे लिखेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये अपन एग्जाम्पल से भी देखेंगे, तो वहां पे अपने को और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी कि हाँ सही बात है। सीधी सी बात है, मेरे पास बी प्लस सी करूंगा मैं तो कोई रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, अरे वेक्टर, उसके साथ मैं एक का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, या तो मैं उसको देख लूँ, या फिर क्या करूँ मैं दोनों वेक्टर का क्या करें कि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करें, उसके बाद अपने पास सिंपल सा क्या हुआ, उनका एडिशन करें। बात देखो सिंपल सी क्या है कि ये जो है स्केलर क्वांटिटी दे रहा है, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ेगा तो स्केलर क्वांटिटी यहाँ भी और यहाँ भी बराबर होगी, एंगल जो है उन दोनों के बीच का बराबर है, इस वजह से फर्क नहीं पड़ा। देखो इन दोनों के बीच का जब मैं रिजल्टेंट देखूंगा तो कहीं ना कहीं इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के रिजल्टेंट पे इफेक्ट आएगा, तो रिजल्टेंट से बी प्लस सी का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी ए के साथ उतना ही एंगल बनाएगा, तो उस वजह से क्या है, इफेक्ट नहीं पड़ रहा इन दोनों चीज का। जैसे मैं मान के चल लूँ कि मेरे पास कोई ए वेक्टर कोई भी रेंडम सा है, ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर और सी वेक्टर मेरे पास ये है, ठीक है, ये मैंने मान लिया ए वेक्टर है और ये मेरे पास मान लीजिए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर। अब देखो इनका रिजल्टेंट कहीं इनके बीच का होगा, इसके और इसके बीच का एंगल बराबर हो गया। अब मैं क्या करूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, उससे क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल निकले। अब उन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा तो भी वो इनके बीच में आएगा, इस वजह से वो जो है अपना जो है डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी भी अपने को पता होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी भी जो है अपने काम आती है, रेड से कर देते हैं, ये वाली चीज भी इम्पोर्टेंट है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी जो है अपने को पता होनी चाहिए, ये जो है प्रॉपर्टी अपने काम आती है, ठीक है, तो ये जो है अपने को पता होनी चाहिए। तो क्या क्या होता है, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है और ए ब्रैकेट बी प्लस सी जो अपने पास होगा वो होगा ए बी प्लस ए सी अपने पास, ठीक है। अब वेक्टर की फॉर्म में अपन बात कर ले कि दो वेक्टर जो है मेरे को दिए हुए हैं, ठीक है, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है। ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, जैसे ए एक्स आई केप, ए वाई जे केप, बी जेड केप, अपने को ए वेक्टर अपन बात यहाँ पे लिख लेते हैं,
कि ए वेक्टर अपने को क्या दिया हुआ है, ये अपन प्रूव करके भी देखेंगे, ठीक है। ये अपन ने नीचे इसका प्रूव भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने को दे दिया ए वेक्टर क्या है, कि ए वेक्टर जो है आपके पास ए एक्स आई के पे प्लस ए वाई जेड जे के पे प्लस ए जेड के पे, सेम एज अपने को बी वेक्टर भी दिया हुआ है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इस चीज को अपन प्रूव करें। तो अपन यहां पे वो चीज देख रहे हैं, ठीक है। अपने को ए वेक्टर क्या दिया, कि ए वेक्टर अपने को दिया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये अपने को ए वेक्टर दिया हुआ है। बी वेक्टर अपने को क्या दिया, कि बी वेक्टर जो अपने को दिया वो दिया बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब अपने को ए वेक्टर और बी वेक्टर दे दिया, ठीक है। अब अपने को क्या प्रूव करना है, कि ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ क्या होगा, अपने को ये पता करना है। सिंपल सी बात है, पता करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ए एक्स आई कैप को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या उठाया, ये ए एक्स आई कैप उठाया, ठीक है। इसको मैं करता हूँ बी के साथ मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे सर, ए एक्स आई कैप और बी एक्स आई कैप, तो ऐसे कर सकते हैं, ए एक्स और बी एक्स मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई किया और आई कैप डॉट आई कैप प्लस ए एक्स बी वाई और आई कैप डॉट जे कैप प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप। इतनी बात सबको क्लियर है, ठीक है। जैसे अपन ने ये एक चीज की ऐसे ए वाई के साथ करेंगे, फिर ए जेड के साथ करेंगे, अपन एक में रिजल्टेंट देख लेते हैं, बाकी को कंपेयर कर लेंगे। तो एक्स बी एक्स तो ठीक है, आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, एक बार लिख के बताओ मेरे को क्या होता है आई कैप डॉट आई कैप। अभी तक कुछ समझ में आया हो तो बताओ कमेंट में लिख के कि क्या आता है अपना आई कैप डॉट आई कैप। कि सर आई कैप डॉट आई कैप क्या आता है अपने पास, कि सर दोनों वेक्टर हैं, सेम वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हैं आई कैप की डायरेक्शन में, तो अपने पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया वन। अब ये क्या हुआ, एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा, कि सर आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा, आई कैप जो है मैग्नीट्यूड वन हो जाएगा, जे कैप का भी मैग्नीट्यूड वन हो जाएगा, इनके बीच का एंगल कितना है, वो तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री हो गया तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, कि जीरो हो गया। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये जो है जीरो हो जाएगा। सेम एज आई कैप डॉट जे कैप करेंगे तो वो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। अपन इस ए वाई को मल्टीप्लाई करेंगे बी वाई के साथ करेंगे, वो भी जीरो हो जाएगा। इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, कि सर इसके साथ करेंगे तो ए वाई और बी वाई जे कैप डॉट जे कैप आएगा, बाकी दोनों टर्म तो क्या हो जाएगी, कि जीरो हो जाएगी, अपन ऐड कर रहे हैं। फिर सेम एज इसकी बात करें तो ए जेड को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे के कैप डॉट जे कैप, तो वो भी जीरो, फिर जे कैप डॉट के कैप वो भी जीरो, थर्ड वाली टर्म अपने पास क्या आ जाएगी, कि बी जेड ए जेड, तो ए जेड और बी जेड और क्या है वो, कि के कैप डॉट के कैप, तो ये क्या होता है, वन होता है। तो अपने को क्या पता लगा, कि ए डॉट बी का ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर अपने पास क्या आ जाएगा, कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपने पास आ जाएगा एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये अपनी बात क्लियर हो गई, तो अपन ने इसका प्रूव भी अपने ने देख लिया कि अपने पास क्या होगा, ए डॉट बी, अपन ने ये प्रूव करके, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, किसी को समझ में नहीं आया हो तो बता दीजिए। अब अपन कुछ जो है इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। अपन ने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो कुछ अपन ने जो अभी तक किया है उसकी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे किया, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल सिंपल सिंपल से हैं, आपके लेवल पे आएंगे जब उनका एग्जाम्पल वहां पे यूज होगा तब ये चीजें अपने ज्यादा काम आएंगी। तो अपन इसको अभी कॉपी पेन लिख बैठिए अपने साथ और साथ साथ कीजिए,
ऐसा नहीं है कि बस लेट के देख रहे हैं, नहीं सर ने बोला है कि देखने को। फिजिक्स जो है आपको लिखनी पड़ेगी, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, केवल सुनने से नहीं होगा। अगर रैंक लानी है, फोड़ना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं कर फोड़ना, आराम करना है, नहीं करवाना सिलेक्शन, तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो लेटे लेटे देखे देखे देखे, नहीं तो मत देखिए। पर अगर सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, बोर्ड पे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व भी करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए सबसे पहले और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या दिया हुआ है सबसे पहले वो देखिए कि ए वेक्टर दिया हुआ है। क्या है वेक्टर? ए वेक्टर है 3ik + jk + 2k। और बी वेक्टर अपने को क्या दिया हुआ है? ik + 2j + 3k। तो अपने को फाइंड द वैल्यू ऑफ a.b की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। तो भाई दो रिप्लाई करके क्या क्या आएगा अपने पास, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से अपन करके रिप्लाई कर सकते हैं कि क्या आएगा अपने पास। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? डॉट प्रोडक्ट करना अपन जानते हैं, कैसे करते हैं कि अब देखो i cap dot j cap k cap करेंगे वो तो अपन ने जान लिया जीरो होता, तो सिंपल i cap dot i cap का कर लो। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया कि क्या है सर? 3 आया मेरे पास। ठीक है, 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? 2 आ जाएगा मेरे पास। और 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 6 आ जाएगा मेरे पास। चाहो तो पूरा बड़ा बड़ा लिख के करो कि अपन ने ax को bx से मल्टीप्लाई किया, उसको ऐसे किया, सिंपल सा आंसर तो ये आने वाला है। अब ये कितना आया अपने पास देख लो इसको, तो 6, 3, 9 और 2, 11। ठीक है, तो आंसर जो है अपने पास ये हो जाएगा, अपना आंसर जो है कि अपना ए डॉट बी का रिजल्टेंट क्या आया? 11 आया। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? जिसमें से ऊपर होगा नीचे होगा, ये तो डायरेक्शन लेक्शन है, ये तो स्केलर क्वांटिटी अपने पास आई ना। ए डॉट बी जो है 11 यूनिट हो जाएगा आंसर अपने पास, और कुछ नहीं। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन करके देखो एक बार, सेकेंड वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर क्या है? i cap - 2j cap + 5k cap। बी वेक्टर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2i cap - 4j cap + αk cap। अल्फा के कैप ए परपेंडिकुलर टू बी, ए जो है बी के परपेंडिकुलर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। जब अपने को क्या करनी है? अल्फा की वैल्यू निकाल, अल्फा की वैल्यू निकालनी। कैसे निकालेंगे आप अल्फा की वैल्यू बताओ? सबसे पहले देखो अपने को क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आना चाहिए कि वो बोलना क्या चाहता है। अपने को क्या है, जब पता होगा ना, अपन ने ए पढ़ा बी पढ़ा और उसने एक और चीज दी ए परपेंडिकुलर टू, तो अपने को सबसे पहले याद आना चाहिए कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है अपने पास जीरो होगा, और अगर जीरो डॉट प्रोडक्ट है तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ पे उसने दे दिया परपेंडिकुलर है, तो मतलब क्या होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा मेरे पास? सर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। डॉट प्रोडक्ट करो इसका। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? आई कैप को आई कैप से, जे कैप को जे कैप से, और के कैप को के कैप से। इसको इससे, ठीक है, इसको जो है इससे करो, और के कैप को जो है के कैप से मल्टीप्लाई करो। क्या है आपने पास कि सर आई कैप और टू था तो टू मेरे पास आंसर आया। ठीक है, माइनस टू और माइनस फोर कितना हुआ? कितना हुआ माइनस टू और माइनस फोर? माइनस टू और माइनस फोर अपन करेंगे तो अपने पास प्लस का 8 आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है। अब 5k cap और अल्फा अपन ने मल्टीप्लाई किया तो प्लस 5 और अल्फा, तो 5 अल्फा हो गया। ठीक है, इक्वल टू कितना हुआ कि सर ये दोनों होगा जो जीरो होगा, तो सही है ना, 2 4 2 8 और 5 अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या आएगी अल्फा की वैल्यू? कि अल्फा की वैल्यू अपने पास आ गई, अल्फा इक्वल टू 8 और 10 हो गए, उधर गए 10 डिवाइड बाई 5, तो -2 अपने पास आंसर आ गया। सिंपल से क्वेश्चन है ये, तो डायरेक्ट देखते भी कर सकते हैं, अपन को पेन उठाने की जरूरत नहीं है, और उठा रहे हैं तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर बाद में देख के कर लेंगे। तो इसमें यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो बताओ, और ये जो है अपने काम तो आने बहुत वाला है। अब देखो, अब अपने को क्या दिया कि फाइंड द एंगल बिटवीन i cap + j cap and i cap - j cap। अब इनके बीच के एंगल फाइंड आउट करना है। अपने को कोई वेक्टर दे दिया ए वेक्टर जो एक्स और वाई डायरेक्शन में, बी वेक्टर जो है एक्स और वाई डायरेक्शन में, इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे फाइंड आउट? अपन जानते हैं अभी तक अपन ने डॉट प्रोडक्ट ही पढ़ा है। ठीक है,
और एंगल जो है डॉट प्रोडक्ट से अपन फाइंड आउट भी कर सकते हैं। कि कैसे फाइंड आउट करेंगे कि अपन जानते हैं कि सिंपल सी बात है, अपन सॉल्यूशन इसको यहाँ पे लिख के देखते हैं, ठीक है। अपन क्या जानते हैं, अपन जानते हैं कि दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और होता है cos थीटा, ठीक है। अपने को अगर थीटा फाइंड आउट करना है तो क्या अपन यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते क्या, cos थीटा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी वेक्टर। सिंपल सी बात है, थीटा अपने को फाइंड आउट करना है तो कोर्स इनवर्स ये कर देंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अपने पास दिया है क्या हुआ है, अपने को तो यहाँ सिंपल से देखते ही पता लग जाएगा ना, आई कैप दिया हुआ है प्लस जे कैप दिया हुआ है और आई कैप माइनस जे कैप दिया हुआ है। इनका पहले डॉट प्रोडक्ट तो करके देखते हैं कि आई कैप क्या हुआ, वन हो जाएगा, ठीक है। आई कैप जे कैप तो वैसे भी जीरो है, जे कैप आई कैप वैसे भी जीरो है, और ये माइनस आई जे कैप वन हो गया, तो ये तो वैसे ही अपने पास जीरो आ रहा है। तो अपने पास अगर जीरो आ गया, सिंपल सी बात है ये डॉट प्रोडक्ट ही जीरो आ गया, तो कोस थीटा क्या हो गया कि कोस थीटा क्या हो गया अपने पास 90 डिग्री हो गया। मतलब ये दोनों जो वेक्टर हैं ये क्या हुआ अपने पास आई के प्लस जे के परपेंडिकुलर हो गए आई के माइनस जे के, सिंपल सी बात है। तो उसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके देख लो तो अपने पास क्या हो जाएगा कि अपने पास आंसर आ जाएगा, क्या होगा कि वो दोनों जो हैं अगर जीरो आ रहे हैं तो दोनों अपने बीच का जो एंगल बना रहे हैं वो कितना बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो बता सकता है, नहीं है तो और अच्छी बात है। अब अपने को दो वेक्टर और दिए हुए हैं, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपन करते हैं, फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ टू वेक्टर पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, ठीक है। P प्लस क्यू वेक्टर परपेंडिकुलर है P माइनस क्यू वेक्टर के, अपने को पता नहीं है P वेक्टर क्या है और Q वेक्टर क्या है, अपने को तो ये दिया हुआ है उन दोनों का एडिशन और उन दोनों का सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कुछ भी दो वेक्टर हो सकते हैं जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो अपने को फाइंड आउट क्या करना है कि मोड ऑफ P और मोड ऑफ Q वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, सोचो एक बार, ठीक है। पहले सबसे पहले सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन को देखने से पहले सोचना पड़ेगा कि सॉल्यूशन अपन ने क्या किया फोर्थ वाला क्वेश्चन का, कि उसने क्या दिया, दो वेक्टर थे P वेक्टर एंड जो है अपने पास Q वेक्टर, ठीक है। अपन को क्या दिया हुआ है, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर परपेंडिकुलर है P वेक्टर माइनस Q वेक्टर, ठीक है। इतना अपने को गिवन है। अब अपने को सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि परपेंडिकुलर है तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आने वाला है जीरो आने वाला है। अब अपने को पता लग गया कि जीरो आने वाला है तो जीरो तो आएगा, तो सबसे पहले तो वही करके देख लेते हैं अपन कि अपन ने क्या बोला कि सर मेरे को दिया हुआ है पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर का मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा, किसके साथ करूंगा कि मैं करूंगा डॉट प्रोडक्ट पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर के साथ, करो डॉट प्रोडक्ट। कैसे करते डॉट प्रोडक्ट, इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये बात तो क्या तुम लोग जानते हो कि इस वेक्टर को मैं इसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके मोड का स्क्वायर आएगा, नहीं सर हम तो नहीं जानते कैसे आएगा, जानते नहीं जानते, ये वाली चीज अपने को पहले पता करनी पड़ेगी। कैसे कि दो सिमिलर वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, क्या होगा दो सिमिलर पी वेक्टर को मैं पी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो क्या होगा, मोड ऑफ पी और उनके बीच का एंगल थीटा, थीटा क्या है जीरो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा अपने पास क्या है कि दोनों सेम वेक्टर हैं तो जीरो है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, यही तो होगा, तो वन हो गया, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया कि उन दोनों के मोड का स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज अपने को आई। सर दूसरा क्या होगा कि दूसरे वाले टर्म पी को क्यू से, तो माइनस पी वेक्टर, ठीक है, और डॉट जो है क्यू वेक्टर। सर इसको भी क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, नहीं अपने बीच को एंगल पता, अपने को पता नहीं है, ठीक है। दूसरे वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चीज ऐसे लिख सकता हूं मैं, क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर, और लास्ट वाली टर्म है माइनस साइन लिखा, क्यू को क्यू से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या चीज ऐसे लिखी जा सकती है।
और सबसे बड़ी बात, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, क्या होगा सर, कि पहले वो जो है परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया अपने पास, कि अपने पास इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया। ये चीज सबको समझ में आई, किसी को इसमें कोई भी डाउट हो तो बताओ। अब इस दोनों टर्म को देखो, सबसे पहले ये टर्म और ये टर्म, क्या ये दोनों टर्म बराबर है, क्योंकि बराबर हुई तो कैंसिल आउट हो जाएगी, जब तो अपन अपना रिजल्ट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पी वेक्टर क्यू वेक्टर और क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर, अपन ने पढ़ा था ये दोनों बराबर हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था अपन ने, कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था, तो वहां से कम्यूटेटिव से क्या पता लगा था, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर बराबर क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर। तो इस वेक्टर को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर बराबर पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, ठीक है, अपने पास ये तो है ही सही, मोड ऑफ क्यू और मोड ऑफ पी का स्क्वायर बराबर जीरो। तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, अपने पास क्या बचा, पी का स्क्वायर माइनस मोड ऑफ क्यू का स्क्वायर बराबर जीरो। अपन ऐसे लिख सकते हैं कि पी डिवाइड बाय, चलो इसे स्टेप निकालते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं वरना आप लोग गायब हो जाएंगे, पी का स्क्वायर बराबर क्यू का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, पी का स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू का मोड का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, वन हो जाएगा। स्क्वायर था अपन ने रूट हटा दिया, वहां पे वन था उसका अंडर रूट करेंगे तो ये अपने पास रिजल्ट एंड आ गया। तो अपने पास रिजल्ट में आंसर क्या आया फोर्थ वाले क्वेश्चन का, कि यहाँ पे जो अपने को दिया हुआ था मोड ऑफ पी अपॉन मोड ऑफ क्यू वेक्टर जो है अपने पास वो जो है वन हो गया। देखो स्टार्टिंग में देखोगे ना, अगर ये क्वेश्चन पहली बार देखोगे, मतलब पहली बार यहाँ पे भी कर लिया ना और एग्जाम में पहली बार देखोगे, थोड़ा सा नर्वसनेस आएगा कि यार क्यू वेक्टर भी गिवन नहीं है, पी वेक्टर भी गिवन नहीं है, ये दोनों मेरे को पता ही नहीं है, तो फिर मैं ये कैसे निकालूं। पर सिंपल सा इसमें सोचने वाली क्या बात थी, कि अपने को उसने दिया क्या हुआ, उसने दिया हुआ है कि उसका एक दूसरे के वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर आते ही अपने दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए, ये चीजें अपने को पता होती। पर अपन वहां क्या करते हैं एग्जाम में, हड़बड़ी, मतलब जल्दी करना है, छोड़ना है, यार ये तो पता नहीं है, ये तो पता नहीं, छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। पहली चीज तो क्वेश्चन को ढंग से समझ में आया, दो वेक्टर दिए हुए हैं, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर जैसे आया अपन को चमकना चाहिए, क्या चमकना चाहिए, कि उनका डॉट प्रोडक्ट जो है जीरो हो जाएगा, जितना चमका जिसमें तो आंसर अपने पास आ गया। पर ये वाली चीज अपने को वहां पे क्लिक करनी चाहिए, क्लिक करने के लिए अपने को प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तो अपने को प्रॉपर्टी अच्छे से समझनी पड़ेगी, रूट लेवल पे समझना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस उनको इजीली अपने को कोई चीज लगी, अभी अपन ने यहाँ पे जितने भी स्टॉक मार्क लगाए या बॉक्स में बंद करवाए, वो वाली चीजें तो अपने को प्रायोरिटी पे पता होनी चाहिए, कुछ स्टेटमेंट भी पता होने चाहिए, अपन ने वाइस वर्सा स्टेटमेंट भी देखे, वो स्टेटमेंट अपने को पता है तो कोई सी भी क्वेश्चन आ जाए अपने सामने कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अपने को ये वाला क्वेश्चन है, सिंपल सी बात, लास्ट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, एफ वेक्टर मेरे को दिया हुआ है टू आई के माइनस जे के प्लस के के न्यूटन, मतलब ये फोर्स है। एस वेक्टर मेरे को दिया हुआ है थ्री आई के प्लस जे के माइनस टू के के मीटर, ठीक है, देन फाइंड द वर्क डन, ठीक है, अपने को वर्क डन फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन सिंपल सी बात है कि वर्क डन क्या होता है, कि वर्क डन जो होता है वो होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ डॉट एस। अपने को ये अभी पता नहीं, धीरे धीरे फॉर्मूला याद हो जाएगा, पर ये अपने को अभी अपने काम आया तो अपने को अभी याद करना है, ठीक है। अपन ने याद कर लिया कि वर्क डन क्या होगा, एफ डॉट एस एफ डॉट एस एफ डॉट एस, कुछ टाइम बाद ये ऑटोमेटिक पता हो जाएगा कि क्या होता है वर्क, कि अपन किसी भी जो पार्टिकल है उस पर जो फोर्स लगाते हैं उसकी वजह से जितना डिस्प्लेसमेंट होता है उतना जो है वर्क होता है, कि किसी पार्टिकल पर जो फोर्स लगाया गया उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वही क्या होता है, वर्क डन होता है। तो सिंपल सी बात है कि अपने यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट अपने को करना है तो करके बताओ और आंसर कमेंट में लिख के बताओ फटाफट से। किसी का आया आंसर, कैसे करेंगे कि टू आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है, तो टू मल्टीप्लाई बाई थ्री तो क्या हो गया अपने पास, अपन रिजल्ट देखें तो अपने पास क्या हो गया, सिक्स आया, थ्री टू जा सिक्स आ गया, माइनस आई केप और माइनस जे केप और माइनस जे केप तो क्या हो जाएगा, माइनस का वन हो जाएगा अपने पास, के माइनस टू
तो अपने पास क्या टू हो जाएगा, तो अपने पास क्या हो गया कि थ्री अपने पास आ गया। थ्री यूनिट जो भी अपन बोले, वर्क को अपन वर्क के यूनिट में लिखना चाहें तो सिंपल सी बात, अभी तो थ्री यूनिट्स लिख देते कुछ भी, वरना क्या हो गया कि न्यूटन मीटर हो गया अपने पास। क्या क्या मल्टीप्लाई किया अपन ने, न्यूटन को मल्टीप्लाई किया मीटर से, तो न्यूटन मीटर अपन लिख सकते हैं। ठीक है, ये अपन ने देखा कि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अब देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या काम आने वाला है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एप्लीकेशन देख लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं, कि क्या क्या उसकी एप्लीकेशन हो सकती है, कहीं कहीं और अच्छी जगह क्या मेरे काम आ सकता है वो। ठीक है, तो क्या सबसे पहले तो वही चीज, मेरे पास दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो मैं उससे क्या निकाल सकता हूँ कि मैं उससे एंगल निकाल सकता हूँ। किसका एंगल निकाल सकता हूँ, उन दोनों के बीच का कितना एंगल है वो मैं उससे फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो डॉट प्रोडक्ट अपने को दिया हुआ है तो वहां से एंगल तो आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, टू फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, अपन ने देखा था। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कभी कभी ये भी क्या होता है काम आता है, तो अपने को पता होना चाहिए कि कॉस थीटा क्या होगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और उनके दोनों मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो कॉस थीटा अपने पास क्या होगा, अपन ने कैसे निकाला कि ए डॉट बी क्या होता है, कि ए डॉट बी जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। अब कॉस थीटा अपने को निकालना था तो इसको अपन ने इधर नीचे गिरा दिया, दोनों को डिवाइड करेंगे तो अपने पास एंगल आ जाएगा। थीटा एंगल का तो मतलब ये है ना कि थीटा अपन क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड है तो अपने को वेक्टर लगाने की, वेक्टर भी लगा सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड वेक्टर का ही निकाल रहे हैं। ठीक है, और उसका जो है ब्रैकेट बनता है। तो सिंपल सी बात है, थीटा निकालना है तो अपने यहाँ से भी आउट निकाल सकते हैं। बात आती है सर, ए वेक्टर दिया हुआ है अपने को, बी वेक्टर दिया हुआ है, तो सेकंड वाला जो एप्लीकेशन है इसका जो है अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कि प्रोजेक्शन कैसे देख सकते हैं। प्रोजेक्शन मैंने बताया था आपको कि ए वेक्टर ऐसे है तो इसका प्रोजेक्शन देखना है, सिंपल सी बात है, इसको टॉर्च मार दो तो इसका जो अपने पास शेडो बनेगा वो इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे प्रोजेक्शन कैसे करेंगे अपन, ये सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे तो किसी ए वेक्टर है बी वेक्टर है तो ए का बी पे वेक्टर पे प्रोजेक्शन करेंगे, बी का ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन करेंगे। टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, अब देखो ए का जो है बी पे प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है, तो ए का मतलब मैग्नीट्यूड किसका रहेगा, कि सर ए का रहेगा मैग्नीट्यूड, तो क्योंकि ए का ही प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है ना। मैं बात कर रहा हूँ कि ये एक्स एक्सिस है, ये कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मेरे को एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है, तो ए वेक्टर पे क्या करूँगा, मैं टॉर्च डाल दूंगा तो ऐसे इसकी जो शेडो गिरेगी ऐसे गिरेगी, तो ये जो है ये किसका आया, ये तो ए वेक्टर का आएगा ना। अब वो जो है एक्स एक्सिस नहीं है, वो जो है बी वेक्टर है, तो अगर मेरे को एक ए वेक्टर का बी पे फाइंड आउट करना है तो मेरे पास जो है मैग्नीट्यूड तो किसका रहेगा, ए का ही रहेगा। तो एक्स अपने पास क्या हो जाएगा कि ए कोस थीटा हो जाएगा, ए का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए और कोस थीटा हो जाएगा अपने पास। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपन यहां से पुट कर देंगे, ठीक है, कोस थीटा अपन ने यहां से पुट किया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए डॉट उसका क्या करेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इतना सबको क्लियर है। यहाँ पे अपन ने सिंपल सा कोस की वैल्यू रखी और ये दोनों मैग्नीट्यूड है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अपने पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए और ए वेक्टर का अपने को क्या होगा, अपन ये चीज जानते हैं, ये चीज अपन ने पढ़ी है, बी वेक्टर मल्टी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कि बी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा कि अपने पास एक यूनिट वेक्टर आएगा, यूनिट वेक्टर मतलब बी का अपन ने केप लगा दी, तो ए वेक्टर और बी की, तो देखो ए वेक्टर ही है, अब अपने को उसको बी का प्रोजेक्शन में फाइंड आउट करना है कि बी में उसका प्रोजेक्शन कहाँ होगा, तो सिंपल सी बात है ए तो ए ही रहेगा पर वो बी की डायरेक्शन में कहाँ पे जाएगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी उसके पास कि बी की आ जाएगी, तो सिंपल से अपन को अगर ए एक्स फाइंड आउट करना है तो ए डॉट बी केप अपन उसको कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ, अगर अपन वेक्टर फॉर्म में अगर बात करें तो ए एक्स अपने बात करें तो ए कॉस थीटा और बी की केप लगा देंगे, तो उनका दोनों का जो होगा डायरेक्शन जो हो जाएगी वो बी की डायरेक्शन में आ जाएगा, ये वाली चीज। ठीक है, स्केलर फॉर्म में तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अपने को क्या फाइंड आउट करना है, ए एक्स कॉस थीटा और यहाँ पे क्या होगा ए एक्स कॉस थीटा बी केप, तो बी केप के अपन, तो सिंपल से अगर बात करें एक अपने को सिंपल सा अपन देखते हैं कि ये कोई वेक्टर दिया हुआ है, जैसे मान लो थ्री आई केप,
प्लस 5j के प्लस k के, और उसको अपन को डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। बी वेक्टर मान लेते हैं अपन कि x एक्सिस है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले x एक्सिस को a से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्या आएगा, जो भी आएगा वो x एक्सिस के आएगा, और सिंपल सी बात है उसकी डायरेक्शन क्या होगी कि उसकी डायरेक्शन x एक्सिस में होगी। y एक्सिस में बात करेंगे तो उसको y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो उसको थ्री डायमेंशनल में दिया हुआ ना उसको करेंगे y के साथ मल्टीप्लाई, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी कि y की डायरेक्शन में होगी। तो सिंपल सी बात, अगर अपन को ax का प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल लेना है b में, ठीक है, तो डायरेक्शन जो होगी वो होगी b की डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड उन दोनों के b पे डिपेंड करेगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट डिपेंड करेगा। एग्जांपल भी अपन देखते हैं कि अपने को a वेक्टर दिया हुआ है i के प्लस j के, b वेक्टर दिया हुआ है j के प्लस k के, देन फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। अब एक अपने को क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है कि एंगल का फॉर्मूला होता है cos थीटा, अपन इसको नंबरिंग डाल देते हैं 5, 6, 7, ठीक है, तो ये अपन निकल गया। अपने को क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो cos थीटा अपन क्या जानते हैं, cos थीटा होता है a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और उनके दोनों मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन। तो क्या ये चीज आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, करके बताइए, सिंपल सी बात है, और कमेंट में आंसर रिप्लाई कीजिए। कैसे करेंगे इसको, कि a डॉट b करो सबसे पहले, तो a डॉट b तो i कैप j कैप के साथ और k कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो देगा, j कैप जो है j कैप के साथ ही देगा और k कैप का तो क्या होगा कि वन हो गया, ठीक है। मतलब जे कैप का के कैप के साथ क्या हो जाएगा कि मेरे पास जे कैप और के कैप के साथ, तो मेरा जो है रिजल्टेंट जो है जीरो हो जाएगा, फिफ्थ नंबर ऑफ क्वेश्चन अपने पास। तो सॉल्यूशन अपन करेंगे किसका, फिफ्थ नंबर ऑफ क्वेश्चन का, ठीक है। अपने को क्या दिया हुआ है, एक वेक्टर दिया हुआ है आई के प्लस जे कैप, और इसका अपने को एंगल फाइंड आउट करना है किसके साथ, जे कैप प्लस के कैप वेक्टर के साथ, मल्टीप्लाई करो दोनों को। तो cos थीटा मेरे पास जो आएगा वो क्या आएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, मैंने फाइंड आउट किया दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हुआ, इसका इसके साथ, तो मेरे पास आएगा 1। अब मैग्नीट्यूड निकालो, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हुआ अंडर रूट ऑफ 2। बी का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा 2, तो क्या आया 1/2। तो थीटा मेरे को फाइंड आउट करना है, तो थीटा में क्या लिखूंगा, थीटा हो गया कॉस इनिवर्स 1/2। तो अपन क्या कॉस इनिवर्स 1/2 की वैल्यू जानते हैं, या तो ये आंसर आ जाएगा, या अपने पास क्या हो जाएगा कि अपने पास 60 डिग्री में पास जो है आंसर आ गया, ठीक है। दोनों ही आंसर एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है, तो उसमें दिक्कत नहीं लेनी। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, कि अपने को ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है अंडर रूट 15, ठीक है, एंड ए माइनस 3b is perpendicular to 2a vector plus b, then the angle between a vector and b vector is। अब अपने को दो वेक्टर दिए हुए हैं, उनके बीच का एंगल निकालना है। कैसे इस चीज को करेंगे वो एक बार सोचो, पहले दिमाग में आना चाहिए कि सर सबसे पहले तो मेरे को क्या दिख रहा है, कि a वेक्टर दिख रहा है, b वेक्टर दिख रहा है, और उन दोनों का एडिशन और डिवाइडेशन दिख रहा है। तो मेरे को क्या a वेक्टर पता है, ए और बी के एंगल बीच के एंगल निकालना है, तो क्या होगा, वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑफ बी डिवाइड बाय मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी तो दिया हुआ है, वेक्टर ऑफ ए और वेक्टर ऑफ बी अपने को पता नहीं है, तो क्या सबसे पहले वही निकालना चाहेंगे अपन, कि इन दोनों का अपन मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, ये एक बार करके देखो, नहीं देखोगे तो पता नहीं लगेगा। इसको ऐसा करते हैं, या तो फिर अपन होमवर्क में करेंगे, अगर यहाँ पे दिक्कत आ रही है
कि अपन इसको सोच नहीं पा रहे। सबसे पहले सिंपल सी बात है, अभी मैं कराऊंगा, हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी, पर ये क्वेश्चन अच्छा है तो आप लोगों को एक बार करके देखना चाहिए कि सर इसको कैसे करेंगे, फिर उसके बाद अप्रोच कैसे करेंगे। अगर नहीं आती है तो कल एक बार अपन फिर से समझ लेंगे, ठीक है। सिंपल सिंपल से इसमें क्या, थोड़ा सा माइंड आपको आपकी साइड से लगाना पड़ेगा। तो इसको लगाओ, करके देखो, पहले एक बार रफ पे करके देखो कि दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो एंगल कैसे आएगा उनके बीच का, कि उनके बीच का जो एंगल आएगा उसको फाइंड आउट करके देखो, फिर जो है उसको अप्रोच कैसे करेंगे, अप्रोच सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एक बार करके देखो, नहीं आएगा तो अपन फिर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ए वेक्टर दिया हुआ अपने को आई के प्लस जे के प्लस के के, और बी वेक्टर दिया हुआ है आई के, ठीक है। तो अपने को फाइंड आउट ये तीनों क्वांटिटी करनी है कि क्या है, फाइंड आउट करनी है एंगल बिटवीन ए के और मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए एक्स फ्रॉम एक्स एक्सिस, एंगल बिटवीन बी फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, अपन ने प्रोजेक्टाइल जो देखा था, प्रोजेक्शन जो देखा था, प्रोजेक्शन वाली बात आएगी कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। ये होमवर्क में अपन लिख देते हैं, ये होमवर्क जो है आप लोगों को करना है, वरना आप लोग इसको करोगे नहीं तो वेक्टर का अप्रोच पता नहीं लगेगा कि उसको सोल्व कैसे करें। माइंड माइट बी, हो सकता है सिलिक मिस्टेक्स करो, तो पता होना चाहिए क्या क्या मिस्टेक्स अपन कर सकते हैं, सिंपल सा, ठीक है। अब बात करें ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, क्या होगा एंगल कि इन दोनों को क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आई केप का आई केप के साथ होगा, जे केप के साथ जीरो हो जाएगा, के केप के साथ जीरो हो जाएगा, तो ए डॉट बी क्या आया मेरे पास, वन आ गया, ठीक है। मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी क्या है कि मोड ऑफ बी तो वन हो गया, मोड ऑफ ए क्या हुआ, अंडर रूट ऑफ वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, मतलब वन ऑफ रूट थ्री, ठीक है। एंगल बात करूंगा मैं तो कॉस इनिवर्स क्या आया अपने पास, कॉस इनिवर्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वन और इसका रूट थ्री, तो डायरेक्ट ये अपने पास आ जाएगा, सिंपल सा है, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना। एंगल ऑफ ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसका रिप्लाई आप मेरे को दो कि एंगल ऑफ क्या आएगा, क्योंकि अपन ने इसको पढ़ा है अभी तो अपने को समझ में आना चाहिए कि इसको एंगल क्या आएगा अपने पास, एंगल ऑफ ए फ्रॉम एक्स एक्सिस अपने पास क्या आएगा, ठीक है, बताओ क्या आएगा अपने पास इसका, कि अपने पास इसका जो आएगा अपन मल्टीप्लाई करेंगे एक्स एक्सिस पे, उस चीज को देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे क्या आएगा अपने पास। तो अपन जानते हैं सिंपल सी बात, क्या आएगा, एंगल ऑफ ए और एक्स एक्सिस का निकालना है, एक्स एक्सिस मतलब क्या है कि मेरे पास आई केप, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, आई केप का आई केप के साथ वन हो जाएगा, और मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी, देखो अब आपको लगेगा सर इसमें तो क्या होगा कि अपने एक्सिस पे प्रोजेक्शन ले, पर एंगल पूछा गया है, एंगल कहाँ निकालते हैं, एंगल दो वेक्टर के बीच निकालते हैं, तो अपने पास क्या आएगा, इसका एंगल क्या आएगा, इसका एंगल मैं निकालूंगा तो सिंपल सा इसका क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स वन बाई रूट थ्री आएगा कि नहीं आएगा। और बी का एंगल वाई एक्सिस के साथ, इसका एंगल वाई एक्सिस के साथ कैसे आएगा, इसका एंगल क्या हो जाएगा, जे केप हो जाएगा। अब जे केप का एंगल निकालोगे बी के साथ, तो बी का इसके साथ तो जीरो मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो सबसे पहले ही उसका एंगल अपने पास जो आएगा वो क्या होगा कि कॉस इनवर्स जो अपने पास हो जाएगा वो क्या होगा, जीरो डिग्री, सिंपल सी बात है। तो ये सब अपन ने कर लिया, ठीक है। अपन जो है इसके बाद जो है कुछ अपनी जो है नया टॉपिक चालू करेंगे, कौन सा, कि अपन ने क्या देखा था अभी, अपन ने देखा था अभी डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो अपन जो है इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट जो है अपना स्टार्ट करेंगे, कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है दो एंगल के बीच का, कितना टाइम आ गया, ठीक है। तो आज जो है अपन डॉट प्रोडक्ट पे ही अपना जो है चैप्टर टॉपिक जो है फिनिश करते हैं, कल जो अपना क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे काम आता है सेम उसका एक्सपीरियंस नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन करेंगे। आज जितना भी अपन ने समझा है, एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, उसको कीजिए और प्रैक्टिस करना सबसे इम्पोर्टेंट है। आपकी शीट के अंदर जितने भी क्वेश्चन है ना, उसको टाइम दो, कम से कम यूँ मान के चलो फिजिक्स में डेली के 15 से 20 सवाल अभी से लगाना स्टार्ट कर दो, 15 से 20 क्वेश्चन लगाने का मतलब है टाइम माउंट करके लगाओ, ऐसा नहीं है कि बैठ गए 3 घंटे 4 घंटे उसमें बिताए जा रहे हैं। 15 क्वेश्चन लगाने हैं, अपने पास टाइमिंग कितना था, 20 से 25 मिनट, एक क्वेश्चन को 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, कोई ज़्यादा लेंदी है, एडवांस लेवल का ही आ गया, मतलब अपन से बना ही नहीं था,
तो जरूर थे 3-4 मिनट ले जाए, पर 2 मिनट 1.5 मिनट से ज्यादा किसी को टाइम नहीं देना। आ रहा है सोचो उसके बारे में, एक बार किया नहीं हुआ कोई बात नहीं मार्क करके रखो, फिर अगली बार सेकंड लेवल पे अपन बैठे, अपन ने कुछ कॉन्सेप्ट समझे, उसके बाद फिर एक बार लगा के देखो, 1 मिनट 1.5 मिनट में वो पता लग जाएगा अप्रोच कैसे होगी। कैलकुलेशन में अगर टाइम लग रहा है तो कैलकुलेशन पे वर्क ऑन करो। ठीक है, आज के लेक्चर को यहाँ पे ही खत्म करते हैं। मेहनत करो, मेहनत फिजिक्स में मेहनत ही सफलता दिलाएगी, और फिजिक्स ही जो है आपकी रैंक इंप्रूवमेंट करवाएगी। बायोकेमिस्ट्री से आप एक रैंक लाएंगे, पर रैंक को ऊपर ले जाने का काम जो है अपना फिजिक्स लेक्चर ही करेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, मजे से पढ़ो और प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।